Good morning. Welcome back to my channel, YouTube channel. Aji ami kotha patim Sumit Thapa lagat international bodybuilder. Welcome to Tinsukia, Sumit. Thank you so much. Sumit, आज जो ये वीडियो हम हिंदी में ही बात करेंगे लेकिन जो हमारा जो ये वीडियो है वैसे आसामीस में बनता है ट्रेवल ब्लॉग और फिटनेस के ऊपर है ठीक है सो बोलक আমি সুমিতৰ লগত কিছমান কথা পাতো বডি বিল্ডিং ওপৰ ফিটনেসৰ ওপৰ সো সুমিত আপ আপনা ইন্ট্রোডাকশন দিজিয়ে আমাৰ ফেন্স কো আৰু আপকে ভি ফেন্স কো হাই মই সুমিত থাপা মই বম্বে थाने डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जो कि महाराष्ट्र में आता है और मैं 17 इयर्स से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ 17-18 इयर्स से और मैं 17 इयर्स से बॉडी बिल्डिंग करते हुए मैं काफी सारे कॉम्पिटिशन खेले हैं और रिसेंटली मैंने जो कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीता वो था शेरू क्लासिक जो 5th-7th जुलाई को हुआ था जिसमें मैंने सुपर हैवी वेट में गोल्ड मेडल लिया और मैंने टोटल 4 इंटरनेशनल शोज खेले बॉडी बिल्डिंग सुमित वो हम जानना चाहेंगे कि हाउ यू स्टार्टेड योर करियर इन बॉडी बिल्डिंग सो मेरा बॉडी बिल्डिंग का करियर स्टार्ट हुआ था समझो 2001-2002 में बॉडी बिल्डिंग नहीं बोल सकते मैंने उस टाइम सिर्फ एक्सरसाइज स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज स्टार्ट करते करते मैंने शायद 2004 से मैंने कॉम्पिटिशन 2003 या 2004 से मैंने कॉम्पिटिशन खेलने स्टार्ट किए और कॉम्पिटिशन खेलते खेलते मैंने जो मेरा फर्स्ट मेजर अचीवमेंट था वो था मेरे थाना डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल चैंपियनशिप जो कि मैंने खाली 18-19 इयर्स में ही जीत लिया था जो मेरे साथ खेलते थे वो काफी सीनियर थे 30 इयर्स प्लस थे मोस्टली लेकिन मैंने 18-19 इयर्स में ही वो जीत लिया था और उसके बाद फिर मैंने जूनियर महाराष्ट्र कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल लिया जूनियर मिस्टर इंडिया में मैंने सिल्वर मेडल लिया उसके बाद 2007 में मैंने या 2008 में मैंने ऑल इंडिया फेडरेशन कप सीनियर चैंपियनशिप में मैंने सिल्वर मेडल लिया था हैवी वेट कैटेगरी में उसके बाद 2009 में जॉब के लिए और ज्यादा अर्न कर सकूं मैं बॉडी वेट अपने बॉडी में स्पेंड करने के लिए इसलिए मैं दुबई में मूव हो गया था जहाँ पे मैंने अपना बॉडी बिल्डिंग करियर को और एडवांस लेवल में स्टार्ट किया और जहाँ पे मैंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए 3 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए दुबई में होते थे मिडिल ईस्ट में तो ऐसे मैंने अपने बॉडी बिल्डिंग की करियर को और आगे बढ़ाया अच्छा सुमित हम भी ये जानने चाहेंगे और जो हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स है सबका यही प्रॉब्लम है जैसे कि हमने ये देखा है जो मतलब जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्पॉन्सरशिप का प्रॉब्लम जैसे कि बेसिकली जो बाहर के जो बॉडी बिल्डर होते हैं अब्रॉड के उनको ये प्रॉब्लम फेसेस बहुत कम फेसेस करने पड़ते हैं तो उनके उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे जो ये जो हमारे जो बॉडी बिल्डर्स है वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं देखिए स्पॉन्सरशिप्स मिलना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना ये सब आपको तभी मिलना स्टार्ट होता है जब आप एक अच्छे लेवल तक खुद पहुंच जाते हो जो कि आप अपना अपने ऊपर खुद स्पेंड करते हो इनिशियली आप 1-2 साल जब आपके बॉडी बिल्डिंग के होंगे आपको कोई स्पॉन्सर नहीं देगा आपको कोई सपोर्ट नहीं देगा फाइनेंशियल जब कोई लोग आपके आपके ऊपर पोटेंशियल देखेंगे आपको देखेंगे कि आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हो तब जाके लोग आप पे इंटरेस्ट लेंगे आपको स्पॉन्सरशिप देंगे आपको आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करेंगे जो कि बहुत कम होता है हर एक को नहीं मिलता किसी किसी को मिलता है अभी मेरे स्पॉन्सर है स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन तो मुझे भी स्पॉन्सरशिप ये सेकेंड स्पॉन्सर है मेरा पहले था दुबई में तो स्पॉन्सरशिप आपको इजीली नहीं मिलता आपको अपने ऊपर 7-8 साल बॉडी बिल्डिंग में आपको अपने ऊपर स्पेंड करना पड़ता है आपको जॉब करके या तो आपका घर में अगर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक है तो आपको अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा खर्चा करके आपकी बॉडी को डेवलप करना पड़ता है जब आप एक अच्छे लेवल में पहुंच जाओगे जब आपका एक पोटेंशियल दिखाई देगा कि नहीं ये लड़का आगे बढ़ सकता है तो लोग आपके ऊपर स्पेंड करेंगे आपके ऊपर थोड़ा सा आपको सपोर्ट देंगे तो इनिशियली तो आपको अपनी मेहनत करके अगर आपको 100% पैशन है इंटरेस्ट है तो आपको मतलब करना ही पड़ेगा आपको कैसे भी मतलब आपको काम करके अपने ऊपर खर्चा करके आपको थोड़ा अपने आपको आगे लाना ही पड़ेगा सुमित क्या आपको पता है आप जिस जिम में वर्कआउट करता था दुबई में उसमें मैं भी कर सकता हूँ
ये बात मुझे दुर्लभ ने बताया था, दुर्लभ ने मुझे फोटोज भेजी थी, तो मैं बोला ये तो वही जिम है जहाँ पे मैं एक्सरसाइज करता था और वहां पे मैं अपना पर्सनल ट्रेनिंग भी लेता था। वो जिम का नाम था यूनिफिट जिम। तो यूनिफिट जिम ने मुझे 2015 में यूएई चैंपियनशिप हुई थी जो कि रसल खेमा में हुई थी। रसल खेमा है एक दुबई के पास में है, 1.5-2 घंटा दूर होगा। तो उधर यूएई चैंपियनशिप में मैंने सेकेंड प्लेस लिया था। तो वो जब से मैंने सेकेंड प्लेस लिया था तो मुझे वही यूनिफिट जिम ने जहाँ पे आपने एक्सरसाइज किया था उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप दिया था वो टाइम में, तो मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए। नेक्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि आजकल देखा गया है जो यंग जनरेशन है जिम में आते हैं, 1 महीना होता है, 2 महीना होता है और स्टेरॉइड्स के बारे में पूछते हैं, जो हमारे सॉल्ट्स है उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो यूज करना चाहते हैं, तो उन यंग जनरेशन को आप क्या बोलना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोलना चाहूंगा कि जो जब कोई भी एक्सरसाइज आदमी स्टार्ट करता है तो किसी को भी स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका सबसे वैसे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक बॉडी डेवलप करने में आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब आपका प्रोटीन, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके फैट्स, जो कि आपको चिकन से मिलता है प्रोटीन, एग से मिलता है प्रोटीन, फिश से मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आपको मिलते हैं राइस से, पोटैटो से, ब्रेड से, और आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेना चाहिए जिससे भी आपको फाइबर मिलेगा, आपको विटामिन मिलेंगे, एंटी ऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, और आपको फैट्स लेना चाहिए जो कि है आपके जैसे हो गया पीनट बटर हो गया, आपके आलमंड्स हो गए, वॉलनट हो गए, ये हो गए आपके फैट्स के सोर्स, एवोकाडो ऑयल हो गए फैट्स का सोर्स। ये न्यूट्रिशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि आपके बॉडी डेवलप करने में हेल्प करता है। और सेकंड आता है आपका ट्रेनिंग, आप अगर प्रॉपर ट्रेनिंग करते हो, रेगुलर ट्रेनिंग करते हो, फोकस करके ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग करते टाइम भी आपको फोकस करना है, ऐसा नहीं आप एक्सरसाइज कर रहे हो फिर मोबाइल में देख रहे हो फिर किसी से बात कर रहे हो, वैसे आपकी बॉडी कभी डेवलप नहीं होगी। गुड बॉडी डेवलप करना है आपको हेडफोन लगाइए, आपका एक्सरसाइज का जो प्लान है वो देखिए, और एक्सरसाइज का प्लान होना बहुत जरूरी है। मैं देखा है लोगों को जो भी एक बॉडी बिल्डर एक लेवल में होता है वो लोग बिना प्लान के जिम में जाते हैं तभी वो आगे नहीं बढ़ पाते। मैं अभी 17-18 ईयर से वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं जिम में जाने से पहले ही मेरा प्लान रेडी होता है कि मैं आज ये वर्कआउट करने वाला हूँ। तो उसी से ये सेकेंड स्टेप है आपका बॉडी को डेवलप करने का, आपका ट्रेनिंग। थर्ड है आपके सप्लीमेंट्स जैसे कि प्रोटीन हो गए, क्रिएटिन हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लूटामिन हो गए, ये आपके रिकवरी करने में आपको हेल्प करती है, और आपके खाने में उतना आपको प्रोटीन मिल नहीं पाता है तो आप सप्लीमेंट्स के थ्रू वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हो। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। तो लास्ट आता है जो कि बहुत स्मॉल पार्ट है बॉडी को डेवलप करने में, या आपको बोल सकते हो थोड़ा बॉडी को हेल्प करने में या पुश करने में, तो वो आता है स्टेरॉइड्स। और स्टेरॉइड्स आपको इनिशियली आपको कोई जरूरत नहीं, इनिशियली आप खाना खाके प्रॉपर डाइट लेके प्रॉपर सप्लीमेंट लेके प्रॉपर ट्रेनिंग करके आप डेवलप कर सकते हो। जो स्टेरॉइड्स आता है वो आता है जब आपको एक एडवांस लेवल में जाना है, जब आपने एक बॉडी की नेचुरल लिमिट आपने पुश कर ली हो, जब आपको लगा कि आपकी बॉडी और इससे आगे बढ़ नहीं सकती है, देन स्टेरॉइड्स का काम आता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी स्टार्टिंग के 4-5 साल स्टेरॉइड्स की जरूरत है। 4-5 साल आप अच्छी बॉडी और अच्छा स्टेट लेवल तक भी बिना स्टेरॉइड्स के इजीली जीत सकते हो। एखिनिये देखिला सुमित की गले स्टेरॉइड्स अभी का। और सुमित, सभी आपके फैंस और जो हमारे आसाम के जो है वो सभी जानना चाहते हैं कि आप क्या खा के बॉडी बनाए। देखिए मेरा एवरीडे डाइट में एटलीस्ट 700-800 ग्राम चिकन ब्रेस्ट होता है, और मैं एटलीस्ट रोज दिन में 12-15 एग वाइट्स खाता हूँ। एग वाइट्स के साथ मैं एग योक भी खाता हूँ 3-4। और मेरा कार्बोहाइड्रेट में राइस होता है, वाइट राइस। मेरा फर्स्ट मील में मेरा ओट्स होता है, जो कि ओट्स में 80-100 ग्राम्स लेता हूँ। मेरा हर खाना जो भी होता है मैं उसको मेजर करके खाता हूँ, मतलब एक मील में मुझे 200 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट खाना है तो मैं 200 ग्राम्स ही खाऊंगा, उससे 10 ग्राम ज्यादा नहीं, उससे 10 ग्राम कम नहीं।
एक मील में मुझे अगर 250 ग्राम व्हाइट राइस लेना है तो मैं 250 ग्राम से व्हाइट राइस लेता हूँ। तो मेरा खाना जो है हर चीज प्लान्ड होता है और मेजर्ड होता है, तो कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता। और मैं काफी सारे वेजिटेबल्स खाता हूँ डाइट में, जो कि हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो आपको फाइबर होना भी जरूरी है, नहीं तो आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा एवरीडे डाइट होता है। ठीक है सुमित, आपसे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और फाइनली आप अपना फैंस को क्या बोलना चाहते हो? मैं बस फैंस को यही बोलना चाहूंगा कि आप बॉडी बिल्डर्स को सपोर्ट कीजिए। अगर आप कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो बॉडी बिल्डर्स को अप्रिशिएट कीजिए, उनको चीयर अप कीजिए। कभी भी बॉडी बिल्डर्स को डीमोटिवेट मत कीजिए। बहुत सारे मैंने देखा है लोग बोलते हैं, अरे इसने स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बनाया है, इसने ये खाके बॉडी बनाया। बॉडी बनाना इतना आसान है, स्टेरॉइड लेके बनाना होता तो रस्ते में 200-300 बॉडी बिल्डर एक साथ घूम रहे होते, लाखों करोड़ों में एक बॉडी बिल्डर क्यों दिखता है। इसलिए बॉडी बिल्डर्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो कम से कम कोई बुरा चीज मत बोलो बॉडी बिल्डर के लिए, बस यही बोलना चाहूंगा। तो सुमित, अगर जैसे कि कोई आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप अपना नंबर इस पे शेयर कर सकते हो, फिर तो आप ही अपना अपना नंबर बता दीजिए। वो सबसे इजी तरीका है मेरे साथ कांटेक्ट करने का, आप फेसबुक में कांटेक्ट कीजिए या तो आप इंस्टाग्राम में आयरन थापा करके, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है IROM आयरन THAPA आयरन थापा, में आप मुझे मैसेज भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा एज सून एज पॉसिबल, हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच। এইখিনিয়ে আছিলে আজি সুমিতৰ লগত যিখিনি আমি কথা পাতিলো ফিটনেছৰ ওপৰত। তো যদি এই ভিডিঅটো আপোনালোকে চাই ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আকৌ লগ পাম আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত।